बिग बॉस 16 के पिछले दो एपिसोड्स में हमने शालीन और स्टैन की फाइट देखी, वहीं इस वॉयलेंट फाइट और उसके बाद के वर्डिक्ट में काफी सारे सीन्स हमसे छुपाए गए और काफी बातें म्यूट की गई। तो व्यूअर्स आपको बता दें कि इस पूरे फाइट के दौरान हमसे एक चीज छुपाई गई, जो है स्टैन ने आखिर शालीन को क्या मारा। तो चलिए शुरू करते हैं शुक्रवार का वार एपिसोड से, जहां टीना को कन्फेशन रूम में बुलाया गया इन दोनों के बीच हुई हिंसा का वर्डिक्ट देने के लिए, जहां टीना ने बिग बॉस से कहा कि स्टैन ने उसे मारा है लेकिन उसे लगा तो नहीं। यहां स्टैन के हाथ उठाने की नहीं बल्कि कुछ और चीज उठा के मारने की बात हुई है, जो बार बार म्यूट करी गई। वही आज शनिवार का वार एपिसोड में सलमान शालीन से कहते हैं, तुम्हारी बात सही है, यहाँ पे गलती स्टैन की है, लेकिन हम तुमको उसे मारने की परमिशन तो नहीं दे सकते। जहाँ शालीन भी बार बार जिद करते हैं कि या तो घर से स्टैन और शिव जाएंगे या फिर मैं, क्योंकि शिव ने मेरे चेहरे को दबोचा है, वहीं स्टैन मेरी तरफ वो उठा के मुझे मारने के लिए लाता है, तो क्या ये बात ठीक है। तो व्यूअर्स आप देखेंगे आज सैटरडे एपिसोड में शालीन के कई शब्द म्यूट किए जाएंगे, जहाँ शालीन कहते हैं मैंने सिर्फ सेल्फ डिफेंस किया है, और इस पे सलमान एग्री भी करते हैं। वहीं सलमान स्टैन को भी समझाते हैं और उनकी गलती बताते हैं, जहाँ स्टैन अपनी गलती मानेंगे और शालीन से हाथ मिला के सॉरी भी कहेंगे। वहीं घर में फिजिकल होने के बदले सलमान अनाउंस करते हैं स्टैन को नेक्स्ट 4 हफ्तों के लिए सजा के तौर पर नॉमिनेट किया गया है। वहीं सलमान इस पूरे मैटर पे प्रियंका और अंकित की बार बार दखल अंदाजी के कारण उन्हें चुप करते हुए मुख्य सोफे से हटाकर पीछे कुर्सियों पे चुप करके पूरे एपिसोड में बैठे रहना होगा। तो व्यूअर्स चलिए ये जानते हैं कि इस पूरे वॉयलेंट सीन में हम सबसे क्या छुपाने की कोशिश की गई। जहां शालीन और स्टैन दूर से एक दूसरे को गालियां देना शुरू करते हैं, फिर कैप्टन्स रूम के पास खड़े स्टैन अचानक से शालीन पे भाग के चार्ज करते हैं। जहां स्टैन को आता देख शालीन अपने आप को बचाने के लिए पीछे की तरफ झुकते हैं। सूत्रों की माने तो तभी स्टैन ने शालीन पे वास फेंका, जो शालीन को छुआ भी नहीं और उसके पास में जाके गिरा, और उसी के बाद सेल्फ डिफेंस में तुरंत शालीन ने स्टैन को दबोचा। जहां स्टैन को छुड़ाने के लिए शिव ने भी शालीन के चेहरे को धकेला, जिसे बिग बॉस ने भी कन्फेशन रूम में कहा कि वो सिर्फ स्टैन को शालीन के गिरफ्त से छुड़ाने के लिए शिव ने किया था। एपिसोड में हमने देखा था कि शिव के ऐसा करते ही शालीन ने स्टैन को छोड़ दिया और बिग बॉस से गुहार लगाना शुरू किया कि शिव और स्टैन ने दोनों ही मुझे मारने की कोशिश की है। चलिए अब बात करते हैं जहां बिग बॉस ने कन्फेशन रूम में बार बार इन तीनों से कहा कि आपके झगड़े का घर में कुछ लोग एग्रेशन से फायदा उठा रहे हैं। चलिए मानते हैं कुछ लोग इनके झगड़े में अपनी आवाज उठा रहे थे, तो क्या यही चीज अर्चना के हिंसात्मक व्यवहार के बाद घर के बाकी कंटेस्टेंट्स ने नहीं की थी? क्या अर्चना और शिव के अलावा बाकी किसी ने अग्रेशन नहीं दिखाया था? लेकिन स्टैन और शालीन के झगड़े के बीच में पड़ने वाले लोगों को सलमान ने भी अच्छा खासा सुनाया। तो व्यूअर्स, क्या आप एक्साइटेड हैं आज सैटरडे एपिसोड में सभी कंटेस्टेंट्स के एक्सट्रीम साइड को देखने के लिए?